बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मुसैब खान बलोच और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिजनेस माइंड। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए स्पेशल माशाल्लाह कट्टा फार्मिंग के हवाले से वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो जो भाई कट्टों का कारोबार करना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें, एक एक जानवर का रेट फी लाट के हिसाब से रेट बताएँगे। तो चलते हैं भाई के पास, उनसे मालूम लेते हैं क्या है कि वो किस रेट पर कट्टे फरोख्त कर रहे हैं। तो चलते हैं भाई के पास। उससे पहले जो भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि जब भी हमारी मंडी के हवाले से या फार्मिंग के हवाले से या सेलिंग के हवाले से वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो अगर किसी भी हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज के अनुसार जवाब जरूर दें। जो कारोबार कर रहे हैं अल्लाह उनके कारोबार में रिस्क में बरकत अता फरमाए, इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज मैं फिर कट्टा फार्मिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेकर दूंगा कि कट्टा फार्मिंग में पहला फ्लाव में कितना कुछ कमाया, कितना नहीं, कि कट्टा फार्मिंग में प्रॉफिट है या नहीं। तो माशाल्लाह दूसरा फ्लाग है भाई का, उनसे मुकम्मल कुछ जानेंगे। उससे पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा, जो दोस्त हजरात हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियो बनाए वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, मुकम्मल मालूमात देकर आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह तो भी ऐसे ठीक है जी, अल्लाह के साथ। सबसे पहले अपना नाम और ड्रेस और उसके साथ नंबर भी मैंशन कर दें। राजा फैसल मेरा नाम है जी। जी जी 27 AL जी शेरगढ़। अच्छा शेर नाला माशाल्लाह जी। तो नंबर क्या है मेरे भाई का? 0344 जी 54 83 927। इसी पर व्हाट्सएप है, इसी पर ही व्हाट्सएप है। तो मैं अपने भाई से सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका पिछला फ्लाग का तजर्बा कैसा रहा? जी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अगर ठीक ना होता तो फिर हम दूसरा सीधा। हाँ ये तो बात ठीक है। पिछले आपने कितने इन्वेस्टमेंट की थी और कितने उसमें प्रॉफिट कमाया? सर पंजाबी कर लो, पंजाबी कर लो। सर पिछले फ्लाग के असी 25 जानवर पाए सर। अच्छा ठीक है, 10 लाख के लेते हैं। 10 लाख के लेते हैं हजे? बेचे कि नहीं हजे? बेचे सर असा जी, खर्चा काट के सानू जी बच गया सी 2.5 लाख। खर्चा काट के 2.5 लाख कमाया जी। कितने दिन की फार्मिंग सी कट्टा फार्मिंग? साढ़े जी असी 3 महीने 10 दिन दी, यानी 100 दिन की फार्मिंग थी। माशाल्लाह जी बड़े, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रिज़्क सोना दिता है जी। हाँ। माशाल्लाह ते हुण कितनी देर हो गई इन्हें कट्टा पाया नु? सत्तर दिन हो भी गए ने। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी, ये भी तैयार हो गए 70 दिन दे? बस पिछले तो तजर्बा कर से होने जा रहा है तजर्बा जी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी, बड़ी गल है जी। ये किन्ने लेंदे हजे? ये असन जी सर जी लेंदे सर 15 जानवर। 15 जानवर सा एक साडा अपना ही सी 16 जानवर। अच्छा हां जी, नेक्स्ट साडे को 16 जानवर। इस टाइम 16 जानवर पिछले दा 25 सने। ये भी तजर्बा आया कि ज्यादा विचों थोड़े कमाए जांदे ने, घाटे च कुछ आ रहे ने, ज्यादा बचे क्योंकि जिन्ने घट जानवर मतलब हम 15 पाए ने, 15 दे विच एक एक जड़ा ने असी ज्यादा इन्हां दी केयर कीती, ज्यादा जड़ा ने तो असी 17 दिन च आ गए। माशाल्लाह जी, एक काम कैसा है? काम माशाल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है, जना जे अगर किया जाए इन मेहनत की जाए अल्लाह तला रिजक देता जी, दिता रिजक। हाँ जी। अच्छा हूँ इन का बारे की ख्याल है थोड़ा? इधर पिछे आ जाओ। हाँ नाल जानवर एक सली आप खाने अपने ब्राह्मण में, तो जानवर तकरीबन किन्ने वजन हम तुम सेल करना चाहते जी? जी सर सेल करना चाहते हैं, कट्टे होने इंशाल्लाह सेल कर देने। अच्छा कट्टे इतो पहले बेचना चाहते जी? हाँ जी पहले पुट्ठे के हिसाब ना बेचने जे या वजन के हिसाब बेचने जे, किंज बेचने जे? सर जिमें कोई ले जाना चाहे पुट्ठे ले जाए, पुट्ठे ले जाए एक एक करके ले जाने, एक एक करके ले जाए, कोई इन नहीं है कि भी बांध साड़ी जाना कि असं कट्ठे देने ने एक एक करके देना है, जिस तरीके जिमें जिम्मे गाहक है साढ़े समझ आए उमें बेची जाओगे। तो मकसद की है वजन के हिसाब से की रेट दोगे? वजन के हिसाब में सर 300 रुपये। 300 रुपये किलो डिलीवरी थोड़ी की उन्होंने? नहीं सर असं फार्मर है, असं कोई कारोबार वो नहीं कर रहे कि जरा लिया के मंडी चूज सेल कर रहे, असं इतों फार्म दे जाना सा रेट। अच्छा ये फार्म का थोड़ा रेट है? सारा फार्म का रेट। माशाल्लाह जी, वही अगे जो फ्लाग गया जी वो असं कुछ 10 जानवर गए उन्हें फार्म ही देते। हाँ जी बकाया आए ने सियालकोट की पार्टी से वो तोल के लै गई फार्म का
फार्म का रेट माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी गल है जी। हुण तुहाडा जिहड़े जानवर जिहड़े मौजूद खड़े तकरीबन किन्ने वजन वाले ने? सर गोश्त जिहड़ा है ना 3.75-3 मण दा एवरेज आ जानी। हाँ जी एवरेज है 3.75-3 मण गोश्त गोश्त गोश्त। लाइव वजन जिहड़ा है वो 235-40 लाइव वजन है। किसी का 200 kg भी है किसी का 235-40 तक भी। अच्छा अच्छा ठीक है जी ठीक हो गया जी माशाल्लाह। हूँ पुट्ठे के साहब की हिसाब दोगे? पुट्ठे का साहब सर जाना असि एवं अगर नीवे सारे कोई खरीदना चाहे कट्ठे कट्ठे लाट की गल कर सर 60,000 60,000 पक्की गल पक्की फिर सोच लो पक्की अलाई चलाई लगी रहनी चाहिए सर। ये कि जाना इन्होंने रोक के खड़ोते रहे यही तो पहले क्ढा इन शाला चला अगला खुराक पाने जाए इतने हूँ इन खड़ा करके आ जाना। लोग कहते हैं कारोबार जो कट्टा फार्मिंग है बड़ी मुश्किल का काम है तो तुम कि माशाल्लाह ना दौड़ो जैसे तला इंतजाम है बाहरों बाहर की सिस्टम है इतने ही लुआ लें इतने सार लेंगे की करते जो हूँ उस आख्या कि भी मोबाइल दौर आ गया है कि दुनिया चंद तक पहुँच गई है कि तलावान कि गल् कई हम जो शहर अगे पिछे लोग कर रहे हैं। अच्छा ये तलावान कर रहे हैं नहीं मोटर लगिया ही ने बटन नपो फारे चल जाते हैं जो पैप पकड़ लो ना जाते हैं दिहाड़ी वो तला तो दिहाड़ी एक दो बार जाए इतने दिहाड़ी 4-8 बार लुआ लेंगे। हाँ इतने पक्के फर्श लगे ने थले कोई चक्कर नहीं कोई चक्कर नहीं है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी वो तो गल बजाय लेकिन मेहनत ज्यादा नहीं बच जाती? सर मेहनत यही है कि भी मेरे तो ख्याल च मेहनत अगे नाल कट गई है कट गई कट गई है कि अगे पट्ठे वढ के लियाने असा बाहरों जड़ा जी डंगर कोई चरावन लैके जा रहा कोई किस तरह कोई अंदर ही जा रहा ऐसा तो अज तक इन्होंने कद बाहर भी कद नहीं कटिया जाने। अच्छा हाँ जी तूड़ी पई है सैलज पिया है पाई जा रहे हैं जाना चौकर तोड़ दे उन्होंने सैलज तूड़ी चौकर चौकर से तैयार किए हुए माशाल्लाह जी। जानवर भी बड़े गोल ने माशाल्लाह जी चेक कर लवो कोई 200 जराब इन्होंने को लेना चाहता ना बाद दफा 200 स्लाटर वास्ते खरीदना चाहता पिछली दफा सानू सर एक शिकायत आई सी कि भाई जरा फार्मर सर ना फार्म फार्म वास्ते पाने से जी जी कहते कि यार ना तुसा आप पे वंडे ते तैयार किए ने। हाँ जी तो असं अगू जाके इन्होंने वंडे ते या किमें असं अगू तैयारी इन्होंने की करनी है। हाँ दफा असा देसी तरीके तैयार करके जो अगू फार्मर जरात खरीद कर जाना चाह रहे हैं इन्होंने इन्होंने अगे मजीद होर वधाना अस थोड़े लैवल से मैं थोड़े दिन वास्ते इन्होंने रख के अगे फार्मर दे अस कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके का कारोबार किया जाए। माशाल्लाह जी अच्छी गल है जी तुसी मैं ना सोची पै गया 70 दिन की फार्मिंग के इस तरह की कट्टा तैयार हो जाता मैं सोच नहीं सकता हाँ क्योंकि लोग बड़ी मेहनत करते हैं। है मेरा दोस्त है जी इधर आओ ना पाई लाकत ये सारी मेहनत इन्हों की है जी तजर्बा इन्हों का है जी मैं जो चीज़ कहें हाँ जी मैं इन्होंने मुहैया कर देना बकाया मेहनत इन्हों की है सारा दिन थले भी कोई सफाई ये वो सारा जाना सिस्टम इन्होंने तो कम है किस तरीके आसान समझे मुश्किल समझे साढ़े वास्ते काम ही कौन ही है जहाँ ध्यान जो इन्हों का करना दिन रात इन्हों के बेच रहे। अच्छा लै पक्की गल है सफाई के बारे थोड़े को एक ही सवाल मैं कराँगा सफाई के बारे तुम की कहना चाहोगे सफाई होनी चाहिए या नहीं? सफाई तो होनी चाहिए हर सूरत ही होनी चाहिए। अच्छा सब तो बड़ी अहम चीज सफाई जो सफाई ना हो तो फिर एडा एडा गारा हो तो मोड़ो उ जानवर बहना की सौना की पट्ठा की तू ने बदना की बदना की जो लिबड़े हो फिर किस टाइम तुम खुराक पाते जी? अभी 22 सुबह पावी दी सुबह किन्ने बजे? सुबह साए दे समय दिन को पहले मैं पा लेंगे। अच्छा अच्छा शाम किस टाइम? शाम की बांग आ जाती तो मैं अगले पाँगा फिर। अच्छा ठंडे ठंडे वेले खाना है? ठंडे क्या बात है जी बब्बर शेर लगे हैं भरा साढ़े दाड़ी जाना तूड़ी तो चोकर जहाँ प्या होंगे वह खाते रहते हैं पानी पीते रहते हैं। अच्छा तो तूड़ी चौकर सही लगे तूड़ी तो चौकर तोड़ दे जिनका दिल करना जिन्हें वो खा लेंदा जग पानी पी लेंदा खुराक साड़ी सुबह शाम है खुराक सुबह शाम दी है 70 दिन की फार्मिंग 100 दिन की फार्मिंग तुम की कुछ सीखे? 70 दिन की फार्मिंग यह सीखे कि असं जानवर थोड़े घट पाए ने। अच्छा पीली 25 या 15 सन क्यों वजह क्यों वजह यही है कि भी जरा ना कि भी अगर असी जी 25 जानवरों को खाना खुराक खुवानी है वो असं 15 दिन खुवा के जानवरों को हाँ जी तो असं 70 दिन क्यों ना सेल करिए गल है टाइम बचाओ तो प्रॉफिट भी उन्ना लग जाए।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਆ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ? ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਦੋਸਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਿਆ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਦਰਦ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਨ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਇਟਲੀ? ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਸਾਂਝੇ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਜੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਦਗਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਮਸਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੋਹਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, 8-10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ ਅਵੇਲੀ ਵੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇਚ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੋਹਣੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ 70 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਈਆ 2.25 ਲੱਖ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੜਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 2 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ 1.5 ਕਮਾ ਲਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਬਚਤ ਤੋਂ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਉੱਧਰ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਸਕਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ 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 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਹਾਮ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਉਣੇ? ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਬਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇ। ਸਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਰ। ਪੁੱਠੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ 67,000 ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ? ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਫਾਈਨਲ 65,000 65,000 ਦੇ ਪੂਰੇ 65,000 ਸਾਢੇ 3 ਮਣ ਗੋਸ਼ੇ ਦੇ 3 ਮਣ ਗੋਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੋਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਬਰਕਾਤ।